आज बिल्कुल देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो आप समझिए कि कार्यप्रणाली चाहे कोलकाता पुलिस की हो, पश्चिम बंगाल सरकार की हो, वो कितनी संदिग्ध है, उसको कितना जस्टिफाई किया जा सकता है। कपिल सिब्बल जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को, वो जब आप दलीलें दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि आप कंसर्न ऑफिसर को लेकर आइए, कुछ भी मत बोलिए जो कि बाद में आपके लिए समस्या खड़ी करे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो भी स्टेटस रिपोर्ट वो दाखिल करने पहुंचे हैं वो इनकम्प्लीट है, वो क्लियरिटी नहीं दे रही है चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी है उनको, और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट उस मामले में हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट क्यों हो रहा है, आप इसको ऐसे समझिए कि आप शुरुआत में बोलते हैं कि ये नेचुरल डेथ है, उसके बाद आप उसका पोस्टमार्टम करवा देते हैं। अगर नेचुरल डेथ है तो पोस्टमार्टम क्यों कराया, जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें फिर आप बोलते हैं अननेचुरल डेथ है। तो ये किस तरीके से आपने काम किया, जिस वो सीआरपीसी के कानूनों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो इस टर्म को लेकर कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस की केस डायरी जो कि 5:40 पर इसको अननेचुरल डेथ बोल रही है, जब आपको कॉल ही 10:10 पर किया गया तो पुलिस की केस डायरी में सुबह के 5 बजे का जिक्र क्यों आ जाता है। ये कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह बोला कि आप कंसर्न ऑफिसर को अगली सुनवाई में लेकर आइए, ताकि जिसको इस पूरे केस के बारे में जानकारी हो। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर की गई है जतिन, कि कोर्ट ये साफ तौर पे कह रहा है जिस तरह से पुलिस डायरी में एंट्री है इसका जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि इससे तो साफ पता लगता है कि जो पोस्टमार्टम है वो पोस्टमार्टम का जो एरिया है वो पोस्टमार्टम के बाद सील किया गया है, यानी उसके पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, सबसे पहले जो क्राइम सीन है, क्राइम एरिया है, उसको सील करने की वो नहीं की गई। आज बिल्कुल, और वो नहीं की गई ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि 5 दिन बाद इस इंसिडेंट के जब सीबीआई पहुंचती है तो मल्टीपल फुटप्रिंट्स मिले हैं, यानी कि टेंपर तो हुआ है, भीड़ तो उस सेमिनार हॉल में घुसी है। अब ये पहचान पाना मुश्किल है कि संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है उसका फुटप्रिंट कौन सा है, प्रिंसिपल का कौन सा है, एक्स वाई जेड या जो भी स्टाफ वहां पर रहा होगा वो गए होंगे, पुलिस ऑफिसर गए होंगे, कांस्टेबल गया होगा, एसीपी गया होगा, इंस्पेक्टर ताला पुलिस स्टेशन के गए होंगे, तो उन सबके फुटप्रिंट खंगाल पाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि सीबीआई के लिए काफी चैलेंज है। सीबीआई ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट दी है उसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि सीबीआई ने ये बोला कि ये केस बहुत पेचीदा है, कोलकाता पुलिस से उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिला है। लगातार जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर ये बात बोल रहे हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो हमारी जो 90% केस हमने सॉल्व कर लिया ऐसा कोलकाता पुलिस का कहना था, वो डॉक्यूमेंट सीबीआई को दे दिए, लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट ये बोलती है कि आप ये केस बहुत पेचीदा है, मेरे पास एविडेंस ही नहीं है, मैं सेमिनार हॉल जा रहा हूं तो मुझे वहां पे कलेक्ट करने में काफी समस्या हो रही है। यही कारण है कि 4 दिन में 10 बार सीबीआई की जो टीम है वो सेमिनार हॉल का निरीक्षण करने पहुंची। इस 10 बार में मल्टीपल टाइम्स ऐसा था कि एफएसएल की टीम सेमिनार हॉल के अलावा बाहर जो दूसरा पैसिव है वहां के भी सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि बाहर जो फुटप्रिंट मिले हैं और अंदर सेमिनार हॉल के अंदर जो फुटप्रिंट मिले हैं वो एक दूसरे से कितने मैच करते हैं, और जो डिफरेंस इनके बीच में निकलेगा वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आरोपी हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि सीएफएसएल के लिए कितना पेचीदा ये काम है कि मल्टीपल फुटप्रिंट में से उन लोगों को चिन्हित करना जो कि मुख्य आरोपी हो सकते हैं, जिन पर आगे कार्रवाई करना जरूरी है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आज 7वां दिन है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, लेकिन 4 दिन वो सिर्फ इसी सैंपल में उलझे रहे। बिल्कुल जतिन, पुनीता भी हमारे साथ कोलकाता से है। पुनीता एक बात और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ये भी साफ तौर पर कह रहा है कि सहायक पुलिस अधीक्षक उनका आचरण भी संदिग्ध है, उन्होंने ऐसा क्यों किया ये भी बताना होगा। बिल्कुल देखिए, सवाल कई उठ रहे हैं और इसी सवाल का जवाब जो है ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब ये वारदात हुई थी इसके बाद से लगातार जो खास करके जूनियर डॉक्टर्स हैं ये जरूर कहते हुए नजर आए थे कि जो चीजें सामने निकल कर आई है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, जो पर्दे के पीछे उसे सामने आना जरूरी है। और यही बात देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी कही जा रही है, यानी कि जो खामियां रही है, लापरवाही रही है, वो एक बार फिर से देखिए यहाँ पर सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूछा जा रहा है कि आखिर बताइए कि जो तमाम चीजें, यानी कि पुलिस की लापरवाही हो, सरकार की लापरवाही हो, आखिर क्यों इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली है। लेकिन देखिए ये जो दृश्य जो हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं ये काफी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए हर कोई जो है यहाँ पर हियरिंग को सुनता हुआ नजर आ रहा है, जूनियर डॉक्टर्स जो लगातार ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं अभाया को, और यही वजह है कि वो 12 दिनों से लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्क्रीन पर देखिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग चल रही है उसको भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं।
और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अभी हमने डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम पहले हियरिंग को जो है पूरा सुनना चाहेंगे, हम कोई डिस्टर्बेंस अभी नहीं चाहते हैं, जब हियरिंग पूरी हो जाएगी इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और लगातार देखिए, लगातार हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो अभी तक हियरिंग हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी कुछ कहा गया है, वो उसे किस तरीके से देख रहे हैं। हियरिंग आप सुन रहे हैं? नॉट नाउ, सुन रहा हूँ, उसके बाद अभी तक जो टिप्पणी की गई वर्डिक्ट के बाद ही अगर कोई कॉमेंट करे। तो देखिए अभी कोई भी जो है बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, यही कि हम टिप्पणी करेंगे, एक बार हियरिंग पूरी हो जाएगी इसके बाद ही हम कुछ भी कहेंगे। यानी कि साफ तौर पर जो है वो बिल्कुल गहराई के साथ इस वक्त ये सुन रहे हैं कि क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि आज का दिन देखिए अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि सीबीआई ने जो अब तक जांच की है वो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्योंकि देखिए इंसाफ की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और इंसाफ की जो अभी जो नजरें हैं इनकी वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर है और सर्वोच्च अदालत पर भी है कि सर्वोच्च अदालत की तरफ से क्या कहा जाता है ये लगातार। और देखिए लगातार हम ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लगातार ये मांग इनकी बस एक ही है कि हमें सुविधा के साथ साथ अस्पताल के अंदर सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए। क्या इसे लेकर भी आज कोर्ट के अंदर कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है? हालांकि शुरुआत में जब हियरिंग हुई थी तभी कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से समझाया गया, डॉक्टर्स को ये कहा गया कि आप जो है काम पर लौट आए क्योंकि आपकी वजह से जो कई काम है वो प्रभावित हो रहे हैं, अगर आप काम पर लौटते नहीं हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था। पुनीता वापस लौट रहे हैं, अनामिका सिंह भी कोलकाता में ही मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनामिका महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है और कई बड़ी टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की गई है। सबसे बड़ा सवाल तो FIR को लेकर ही है कि FIR भी दर्ज की गई, देर से दर्ज की गई, अप्राकृतिक मौत की बात कहेगी, फिर पोस्टमार्टम क्यों किया गया, पुलिस से सवाल, सरकार से सवाल, लेकिन उसके बाद भी सरकार के वकील कपिल सिब्बल पूरे मामले को ढकने और सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है कोर्ट में। और देखिए इस पूरे मामले में जो पुलिस की नाकामी है और सरकार की जो नाकामी है वो यहीं पर दिखाई देती है कि जब इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है तो बजाय इस पे कार्रवाई करने के सरकार काम करती लीपापोती करने का प्रयास करती है। किससे पहले सुसाइड बताया जाए, उसके बाद जब मामला चिप नहीं पाता है तो ढकने का प्रयास किया जाता है, FIR दर्ज करने में देरी की जाती है। लेकिन इस बीच जो प्रदर्शन है बीजेपी का वो भी यहाँ पे जोरदार तरीके से चल रहा है बीते कई दिनों से, आज भी यहाँ पे जो देख रहे हैं पूरा का पूरा रास्ता इसको ब्लॉक करवा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के का आइडिया है प्रशासन को वो ये है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो इसी रास्ते होते हुए जाएंगे, स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे। हालांकि बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है एक जगह पे लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच जो रास्ता देख रहे हैं आप, इसी रास्ते से होते हुए जो रास्ता है यहाँ जाएगा स्वास्थ्य भवन के लिए। स्वास्थ्य भवन पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इकट्ठे होंगे और यहाँ से हल्ला बोलेंगे स्वास्थ्य भवन के लिए, स्वास्थ्य भवन का घेराव किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो स्ट्रैटेजी है बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बीच जो रूपा गांगुली है बीजेपी की नेता वो वहाँ पहुँच गए प्रदर्शन जो स्थल है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनका प्रयास है कि पहुँचे आगे तक, पुलिस का ये प्रयास है कि इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। और शायद यही वजह कि इस बीच जो देख रहे हैं आप कि जो गाड़ियां देख रही है पुलिस की वो यहाँ पे खड़ी कर दी गई है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और प्रयास ये कि चौराहे से आगे जो प्रदर्शनकारी इनको आगे बढ़ने ना दिया।